मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पार्थ इंटरनेशनल स्कूल। आज आपके देखिए क्लास 7 का मैथ्स का चैप्टर चल रहा था अपना इंटीजर्स, ठीक है। इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। अपन ने 1 से एक्सरसाइज तक जो किया था उसको मल्टीप्लिकेशन वगैरह एडिशन सबट्रैक्शन ये सब देखे थे। अब अपन आज देखेंगे डिविजंस ऑफ इंटीजर्स, नया टॉपिक, ठीक है। तो डिविजन ऑफ इंटीजर्स जब अपन करते हैं तो उसके दो सर्टेन रूल होते हैं जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। रूल फर्स्ट जो है वो आपका क्या है, बोथ द डिविडेंड एंड डिवाइजर। डिविडेंड और डिवाइजर वाला डिविडेंड कौन होता है, जो डिवाइड हो रहा होता है, और डिवाइजर कौन होता है, जो डिवाइड करता है, ठीक है। आर ऑफ सेम साइन, अगर दोनों सेम साइन के हैं यानी दोनों या तो प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, देन ऑन डिवाइडिंग द क्वेश्चन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा, आंसर जो आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट जैसे मैंने फर्स्ट किया -30 डिवाइडेड बाय -19, ठीक है। तो -30 जो है आपका, ठीक है, ये क्या है, माइनस में है, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर है, डिवाइडेड बाय -19, ठीक है, ये भी किस में है, नेगेटिव में है, ये आपका नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो दोनों आपके यहाँ पे डिविडेंड और डिवाइजर दोनों ही नेगेटिव साइन के, सेम साइन के, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर 30/19 माइनस का 30 माइनस का 19 में माइनस माइनस कर देगा, 19 का 30 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 और प्लस का, यानी पॉजिटिव में आंसर आएगा। सेकंड मैंने क्या किया, जो क्लियर किया है, 156 प्लस का डिवाइडेड बाय डिवाइजर जो है प्लस का 12 ही है, तो मैं लिखूंगा 156/12, दोनों प्लस के प्लस प्लस कर देगा, या फिर प्लस नहीं भी होता तो साइन नहीं भी लगता तो प्लस ही रहता है। अब 12/13 से कितना होता है, 156 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13, ठीक है, और वो 13 किसका प्लस का। तो इस केस में जबकि आपके डिवाइजर और डिविडेंड दोनों जो होते हैं वो अगर मान लो सेम साइन के होते हैं, मतलब दोनों या तो पॉजिटिव होते हैं या दोनों नेगेटिव होते हैं, उस केस में आपका आंसर हमेशा क्वेश्चन में वो पॉजिटिव आता है। सेकंड रूल जो है वो ये है कि बोथ द डिविडेंड एंड द डिवाइजर, अगर आपके डिविडेंड डिवाइजर मतलब जिनका बाप जाता है और जो बाप कहता है, दोनों अगर डिफरेंट साइन के होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, देन ऑन डिवाइडिंग द क्वेश्चन विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तो आपका क्वेश्चन इसमें क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, फर्स्ट 18 प्लस का डिवाइडेड बाय माइनस का 3, ठीक है। 18 बाय 3 जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 6 18 होता है, तो ये माइनस का आंसर आपका माइनस में आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्वेश्चन किसमें आया, नेगेटिव आया। सेकंड इसमें पहला पॉजिटिव था डिविडेंड और डिवाइजर नेगेटिव था, सेकंड जो है -108 डिवाइडेड बाय प्लस का 54, तो इसमें डिविडेंड जो है माइनस का है, वो डिवाइड हो रहा है पॉजिटिव यानी प्लस के डिवाइजर से, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 108/54 में डबल होता है 108, तो 2 से घटेगा, प्लस माइनस करके माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर किस आ रहा है, माइनस करके माइनस नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया, रूल फर्स्ट दोनों साइन जब सेम होते हैं डिविजन और डिवाइजर के, तो आंसर आपका पॉजिटिव आता है। जब साइन आपके दोनों डिवाइजर और डिविडेंड के जो है डिफरेंट होते हैं, तो आंसर हमेशा क्वेश्चन नेगेटिव आता है। फिर अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। जो इंटीजर्स होते हैं डिवाइड करके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो बेसिक मेन तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं आपका, एक तो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी कम्यूटेटिव और तीसरा एसोसिएटिव होती है, ठीक है। बाकी जो प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन एडिशन वगैरह, ठीक है, वो चीज भी चलती है। मेन अपन इन चीज को देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब भी आप कोई दो सेम टाइप के नंबर लेते हो तो उसका आंसर हमेशा जो ऑपरेशन करते हो वो सेम आना चाहिए। मतलब जैसे आपने दो क्या लिए, आपने दो नेचुरल नंबर लिए, ठीक है, उसके बीच में प्लस करवाया, माइनस करवाया, डिवाइड करवाया, कुछ भी करवाया, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार जब आप दो इंटीजर लेते हो ए और बी, उसको डिवाइड करते हो, तो आपका आंसर किसमें आना चाहिए, इंटीजर में आना चाहिए, ठीक है। मगर इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ जो इंटीजर्स होता है, इसके अंदर क्या आंसर इंटीजर में आता भी और नहीं भी आता है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, इसके लिए डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स मे और मे नॉट बी एन इंटीजर, यानी आप दो इंटीजर का जब आप डिवीजन करते हो तो उसका आंसर जो आता है वो आपका इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कैसे, इसके लिए एग्जांपल देते हैं। जैसे फर्स्ट है, ए इज इक्वल टू, अगर आप -18 लेते हो, बी इज इक्वल टू 9 लेते हो, देन ए डिवाइडेड बाय बी आपका क्या हो जाएगा, 18/9। अब 18/9 की नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर 9 2 18 होता है, तो आंसर किसका आ रहा है, 12 में माइनस का -2 की इंटीजर होता है, तो आपका ए भी इंटीजर, बी भी इंटीजर और आंसर सी जो आ रहा है वो भी इंटीजर है, ठीक है। तो इस फर्स्ट वाले केस में तो यहां पर तो क्या लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू होती है, मगर अगर मैंने यहाँ पे यहाँ पे चेंज कर दिया वेरिएबल्स, ए मैंने 5 ले लिया, बी मैंने 2 ले लिया, ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, 5/2 यानी ए डिवाइडेड बी आपका क्या हो जाएगा, 5/2 जो होता है आंसर होता है 2.5, और पॉइंट में कभी भी इंटीजर नहीं होता है, इसका मतलब नॉट इंटीजर है, मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी लागू नहीं हो रही, तो कहीं हो रही कहीं नहीं हो रही, तो अल्टीमेटली इसके ऊपर क्या बोलेंगे, लागू नहीं होती है, ठीक
कम्युनिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी दो नंबर लो उसकी बीच में से प्लस करो सबट्रैक्ट करो मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो जो भी ऑपरेशन करते हो उसका ऑर्डर चेंज करने पे जो है ऑपरेशंस का जो आंसर होता है दोनों सेम आने चाहिए। ठीक है, मतलब जो आप पहले ऑर्डर लेते हो बी का वो चेंज कर देते हो बी ए से स्वैप कर देते हो उसके दोनों के साथ आंसर क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। अगर सेम आता है तो कम्युनिटी में नहीं आता तो नहीं। तो इसमें क्या होता है डिवीजन ऑफ एनी टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स का जो डिवीजन होता है एनी ऑर्डर किसी ऑर्डर में ठीक है वो क्या होता है आपका नॉट बी एन इंटीजर। ठीक है, वो आपका क्या होता है इंटीजर नहीं होता है। ठीक है, मे नॉट बी एन इंटीजर मतलब वो शायद नहीं हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल से सर हम देखिए ए मैंने 6 लिया बी मैंने 3 लिया तो जब मैं ए डिवाइडेड बाय बी लिखूंगा और दूसरी तरफ आरएचएस में बी डिवाइडेड बाय ए लिखूंगा आइडेंटिटी के हिसाब से ठीक है कम्युनिटी की तो ए 6 डिवाइडेड बाय बी 3 इज इक्वल टू 50 3 डिवाइडेड बाय ए 6 ठीक है तो 6 बाय 3 तो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, मगर जब 3 बाय 6 करोगे तो यार 3 से कटेगा तो इससे फ्यूजन से 1 बाय 2 आएगा 2 इज नॉट इक्वल टू 1 बाय 2। ठीक है, 1 बाय 2 इज इक्वल टू 5 होता है तो 2 इसके बराबर नहीं है हम कह सकते हैं दैट रीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। तो डिवीजन जो होते हैं वो कम्यूटेटिव नहीं होते हैं आपके इंटीजर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है देखो ये पूरा कॉमन आ जाता है a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c ब्रैकेट के अंदर इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट के अंदर डिवाइडेड बाय c ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, तो पहले a बाहर था b और c अंदर थे फिर a अंदर आ गया और c बाहर चला गया तीन दोस्त थे दो रूम में पहला बार फिर पहला और दूसरा रूम के अंदर तीसरा बार इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा अगर ऐसा होता है तब तो वो क्या हो जाएगा एसोसिएटिव होगा अदरवाइज नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है डिवीजन ऑफ थ्री इंटीजर डज नॉट रिमेन सेम इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुपिंग इज चेंज। अगर आप ऑर्डर ऑफ ग्रुपिंग इसे चेंज कर देते हो तो उसका आंसर सही नहीं आता है। ऐसे देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया ए इज इक्वल टू 9 बी इज इक्वल टू 6 सी इज इक्वल टू 3 देन क्या होगा कि 9 ए क्या था 9 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर बी और सी है तो 6 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा इज इक्वल टू फिर आपको ए डिवाइडेड बाय बी आएगा। ठीक है,